अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आए हैं कराची, कराची में था इधर मैरिड कबाब वाले, बहुत फेमस है। है पीरियड है, ये इसकी गलती है, ये समझ है। तो आप पीछे देख रहे हैं मेरे, तो ये भाई क्या है, ये पता करता हूँ ये क्या है, इसको कहते क्या है। अच्छा ये सलाद है, किनवा पैसे पूछेंगे ये क्या है। यार ये भैया क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम सही है लगती है। ये जो कबाब चटनी नहीं है, ऐसे करके देखता हूँ, चटनी आ गई है मेरे साथ मिला के। ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आए हैं कराची, कराची में था इधर मैरिड कबाब वाले, बहुत फेमस है। है पीरियड है, ये इसकी गलती है, ये समझ है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो आप पीछे देख रहे हैं मेरे, तो ये नुमान भाई की रेफरेंस से आए हैं, अभी मैं जा रहा हूँ उस तरफ। और कौन सा नाम बताया उसने? इनेट कबाब। रियान भाई से, रियान भाई से मिलने जा रहा हूँ भाईजान। तो देखते हैं जो कबाब है, बड़ी तारीफ सुनी है उसकी, और उसके बाद चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर का क्या माहौल है और बाहर क्या माहौल है। आज तो जी ये लुक है इसकी, कबाब तो बड़ा जोर हो जबरदस्त था, कबाब देख ही नहीं रहे। ये ब्रोस्ट है, यस ये क्या ब्रोस्ट है ना, ये ग्रिल चरगा, ग्रिल चरगा, ये भी नहीं गई है मैरिड वालों गई है, ये फैमिली है। भाई बता रहे थे बहुत ही बड़ी अंगीठी है इनकी कबाबों की। अभी तो टेस्ट करना है, फोन पे हो गया वो पता नहीं, वैसे ही खड़े हैं सामने और देखते हैं क्या बनता है। किचन का विजिट करूंगा मैं खाने से पहले, उम्मीद है। देखते हैं अंदर खाने की तरफ, ये सीटिंग एरिया। ओह अच्छा, तो बात हो गई थी तो जी खाने का वेट हो रहा है, मेरे कबाब पे आए हुए थे तो ऑर्डर किया हुआ है, ऑर्डर के इंतजार में बैठे हैं, भूख लगी बहुत ज्यादा। अरे मेरी सर एक चीज लगी है, और ये सारी मोहब्बत नुमान भाई की है, और राशिद भाई और दूसरे भाई कौन से, रेहान भाई और राशिद, रेहान भाई और राशिद भाई गए हुए हैं, उन्होंने कहा कि मेहमान आया हूँ मुल्तान से, तो कि खातर तवाज़ो करो, खातर तवाज़ो थपड़ों वाली नहीं, लगेगा। अभी मैं खाने के बाद उनका जो अंदर का जो किचन है या बाहर का जो माहौल है, मैं थोड़ी सी गपशप करने की कोशिश भी करूँगा। खाना मेरा आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ खाना भाई लिया है, तो ये भाई क्या है, ये पता करता हूँ ये क्या है, इसको कहते क्या है। अच्छा ये सलाद है, किनवा पैसे पूछेंगे ये क्या है। यार ये भैया क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बिहारी कबाब है। अच्छा जी, तो ये इनके साथ होता है, हमारी तरफ नान और रोटी चलती है, इनकी तरफ ये पूरी टाइप होती है, ये ज़्यादा लगती है खाने। खा के दिखा, मेरे पिछले खाने लगे हैं इस वक्त, बिहारी कबाब है, हाँ बिहारी कबाब, पानी की बोतल, हाँ चेक,
वो पानी आ रहा है, ये भी चेक। एक अब इसको दोबारा हाथ नहीं लगाना, अच्छा इसको हाथ लगा के चेक करना। एक एक्वा आ रहा है इसके सामने, अभी चेक कर दो। राशि भाई, राशि भाई चेक नहीं करके आप चेक करोगे यार, छोड़ उसको एक मिनट, अगर चेक करके बताएंगे फिर मुझे बता देगा। रायते शायते नहीं देते ये। अच्छा रायता दे, चटनी वगैरह होती है, चटनी होती है। अब मेरी बारी है, अब मैं खा के देखता हूँ, ये जो मैं कर लेता हूँ चटनी। चटनी जो है ये इनकी जो थी बिहारी कबाब, जो चटनी नहीं है, ऐसे खा के देखता हूँ। चटनी आ गई है, साथ खा के ये नुमान भाई के पास थी। कमाल का टेस्ट है, जबरदस्त। और मैं एक और बताऊँ, मैं ना ये मेरे मुंह में बड़ा यार, इतना नरम चिकन जैसे मक्खन नहीं होता, कसम नहीं लेकिन वैसे के वैसे पानी में। अब बिहारी बोटी खा रहा हूँ, बिहारी बोटी भी मैं भी खा के देखता हूँ इसी डिश जो है वो देख कर। कहते हैं यार जो सुन लो वैसे का वैसे ही है ना। हां बिल्कुल, तारीफ सुनी थी ना कराची में हमारे जो रिलेटिव आ गए, उन्होंने बता दो उसे कैसे चीज है। नुमान भाई ने जाता ना कराची की थकन उतर गई है भाई, ये खा के सफर किया हमने, हम पहले आए थे, पहले प्लान बना लेंगे इस बारे में यार। मैं आपको बात कहूं, ये तो है ना कि इतना नरम ऐसे मक्खन नहीं होता, मक्खन ये भी मोटी भी इसकी मक्खन की मक्खन जैसी है, और मुझे तो बड़ी पसंद आई। बाकी इंशाल्लाह मैं जाके उनके होटल के ऑनर है उनसे भी गपशप करूंगा और जाके किचन भी दिखाऊंगा आपको कैसा रिक्वायरमेंट है। और नुमान भाई का शुक्रिया, राशिद भाई का शुक्रिया, उनसे रेहान का शुक्रिया। खाना खा लिया, ये भाई जो बैठे थे जो भाई बना रहे थे वो ये कह रहे पत्नी की पुरानी है ये, बहुत पुरानी बहुत ज्यादा। हाँ तो यार मैं उस वक्त भूल गया था यार, कितना अर्सा हो गया भाई शॉप को आपकी, आपकी वो रिकॉर्डिंग आई नहीं थी, कितना अर्सा हो गया इस शॉप को, कितना अर्सा हो गया आपकी? 1957 पहले इस भाई ने बताया था इधर उस तरफ। मैं अभी किचन में जाऊंगा, थोड़ा किचन का भी बनाऊंगा। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम, राशिद भाई के पास आ गए। तो ये जी राशिद भाई थे, राशिद भाई शुक्रिया आपका, थैंक यू। और खाने का मैं कहता हूँ मज़ा आ गया, कैसे सोना था वैसे का वैसा ही है। और ये इतनी नरम कैसे बना, एक बहुत ही नरम थी यार, जैसे कि मक्खन जैसे थी। बिहारी बोटी ये वो यार, ऐसी दो चिकन उतार बहुत जबरदस्त बताया, बेहतरीन। और भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ। और मैं अभी किचन का व्यू दिखाता हूँ भाई को, ये बन रहे कबाब इनके जो खान किचन है इनका, भारती को लग रहा है ये
लेग पीस थे तो हम चलते हैं जी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरठ कबाब वाली साइड पे। और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इनका, बहुत ही ज़बरदस्त है, हर टेस्ट से कह लें आप, हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी।